हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो एक ब्लॉग का वीडियो है। हम कुछ काम से चेन्नई आए थे। एक दिन का स्टे हमने यहाँ पे एक रिजॉर्ट में लिया है। ओवरनाइट हमारी स्टे है यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना ये चेन्नई का ट्रिप दिखाऊंगी। हमने 4:30 पे बेंगलोर से स्टार्ट किया था। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन बेंगलोर में, तो उस समय मैंने कोई शूटिंग नहीं की। उसके बाद जब थोड़ा लाइट आया, सनराइज़ हुआ, तो उसके बाद से शूट करना शुरू किया। सो अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये कार के ग्लास पे आप देख सकते हो, और ये सॉन्ग्स जो हमारी कार में बज रहे हैं और 90s के सॉन्ग्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुन मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारे कार में तो अक्सर यही सॉन्ग बजते रहते हैं। और इस तरह से हमने स्टार्ट किया। सो अराउंड 1 o'clock हम अपने रिजॉर्ट पहुँचे। हमें कुछ बीच में काम भी था, तो सारा काम करते करते 1 बज गया। तो 1 o'clock पहुँचने के बाद हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। हमने अपना सारा सामान रूम में रखा, फ्रेश हुए, उसके बाद हम सीधे गए लंच करने के लिए। और लंच जहाँ पर हम कर रहे थे, वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। बीच बिल्कुल सामने था, और बीच को देखते हुए लंच करके बहुत ही मज़ा आया। आँखों को सुकून मिल गया, और खाना खाने के बाद पेट को भी सुकून मिल गया। सभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और यहाँ पे सूर्य कहीं दिख नहीं रहा है दूर दूर तक मुझे। आई थिंक सनसेट हो चुका है शायद। बहुत ही खूबसूरत काले काले बादल हैं, और ये है वेदर यहाँ का अभी 5:30 पे। और ये है मेरा नेप्टून, बहुत ही इसे पानी पसंद है, उसको पानी में रहना। तो ये लोग होने लगी बारिश, और मैं भागकर तो अंदर आ गई, और सारे लोग अभी बाहर ही हैं। सो गाइस, अभी बजे हैं शाम के 6, और अभी बारिश होने लगी थी, तो अभी सारे लोग अंदर चले गए थे, और बारिश बंद होने के बाद हम आए हैं बाहर। सो गाइस, ये है वो रिजॉर्ट जिसमें हम रुके हैं, और इसके बीच इसके सामने ही है। सो ये है बीच जहां हम ओवरनाइट के लिए आए हैं। एंड यहां पे कहीं अभी मेरी बहन एंड मेरा नेफ्यू इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ही पसंद है पानी। वो लेट मी सी कहाँ है वो, ये देखिए, ये पीछे जो बैठे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हैं मेरी पूरी फैमिली, ये इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सो अभी मैं जा रही हूँ बारिश बंद होने के बाद बीच के पास। मैं थोड़ा बैठूँगी क्योंकि मुझे पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं उसमें डुबी डुबी नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ बैठ के दूर से समंदर को देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है देखना, थोड़ी शांति मिलती है जब आप समंदर को देखते हो। दो समंदर बहुत 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 शोर करता है, बट आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, देख के सुकून मिलता है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ पर बैठने के लिए। और ये है मेरी फैमिली, ये देखें, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, बड़े प्यार से बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पे कहीं बैठ जाऊंगी आराम से। करके अब हम बाहर निकलेंगे, थोड़ा डिनर करेंगे, या तो हम यही रिजॉर्ट में डिनर करेंगे, या फिर डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक्चुअली वीकेंड है, तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। रूम की अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। सारे रूम्स यहाँ पे फ़िलहाल फुल है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं।
तो एंड ये मेरा नेफ्यू भाग रहा है क्योंकि इसको कहीं जाना नहीं है और इसको यहीं पे कहीं खेलना है. सो ही इज ट्राइंग एंड वी आर गोइंग आउट. और अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं बिकॉज ये सैटरडे है, सैटरडे नाइट. सो ड्राइव के बाद हमें ढाबा मिला रोड साइड, तो ये नाइट का टाइम बहुत अच्छा लग रहा है. हमने ऑर्डर किया है बिरयानी, चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है. मैं और मेरी सिस्टर खाने वाले हैं चिकन बिरयानी, एंड मेरा ब्रदर इन लॉ खाएगा, वो खाने वाला है चपाती एंड कुछ उसने चिकन करी या कुछ ऑर्डर किया है. वो भी आने में टाइम लगेगा थोड़ा, 5-10. सी दिस इज हाईवे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में. हमारे पीछे हाईवे है, गाड़ियाँ जा रही हैं और हाईवे के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा ढाबा हो रही है, बहुत छोटा सा. यहाँ पर हम डिनर करने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है. ऐसे ही नाइट के टाइम के लिए ढाबे के पास जाके हम डिनर कर रहे हैं. आंध्रा चिकन के लिए और हमने फिर ऑर्डर किया है जो भी आने वाला है और अब हम खाने जा रहे हैं. वैसे ये देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है. खाने के बाद तो और पता चलेगा कितना टेस्ट है कैसा है, बट जो भी होगा अच्छा टेस्ट होगा इसका. बिरयानी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. अच्छा है, इसको कहते हैं ऑथेंटिक खाना. बिरयानी भी काफ़ी टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर डिनर और उसके बाद हम मिलते हैं आपसे. सो गाइस, बिरयानी बहुत ही टेस्टी है, मैंने दिखाई है. खाना कैसा लगा तुम्हें? खाना बहुत अच्छा लगा, सबको खाना बहुत पसंद आ रहा है. रियली बहुत टेस्टी बिरयानी है. तो हमारा डिनर हो गया है और हम आ चुके हैं पुष्कर के रिजॉर्ट में और उसके बाद हम हैं यहाँ बीच पे. एंड डिनर के बाद हम थोड़ा कुर्सी खा रहे हैं और ये चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. इसमें कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट ये चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी इस नाइट के टाइम में. बहुत ही खूबसूरत है. सो गाइस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और फ्रेश होके अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम 8:30 to 10 o'clock है, तो हम लेट हो जाएंगे. अगर हम लेट गए तो फिर ब्रेकफास्ट मिलना नहीं है. मेरे पीछे आपको पुल दिख रहा होगा, पुल है बट वो क्लोज्ड है क्योंकि कोरोना ही. यहाँ के सारे ही रिजॉर्ट के पुल्स इन लोगों ने बंद करके रखे हैं, तो आप पुल में जाके एंजॉय नहीं कर सकते. ये है रिजॉर्ट का व्यू, काफ़ी खूबसूरत सा रिजॉर्ट है. सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, इडली सांभर वड़ा चटनी पोंगल एंड ब्रेड सैंडविच, सॉरी एंड ब्रेड सैंडविच. और ये देखो मेरी बहन बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट कर रही है और मैं भी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने. सो गाइस, ये था चेन्नई ट्रिप का ब्लॉग. अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो दैट आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी.